नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट्स देता रहता हूँ। क्या रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में नई चीज़ें आ रही हैं, क्या चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जौन सी चेंजेस अब हो रही हैं तो आपको इस चैनल से बने रहना है, क्योंकि मैं आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ देता रहता हूँ। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट न्यूज़ के साथ। तो फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारी NRAI की तरफ से है, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कोलैबोरेट किया है डॉट पे के साथ। डॉट पे क्या है, डॉट पे एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और आपको वो एक ऑनलाइन मेन्यू क्रिएट करके देती है जो कि आपके व्हाट्सएप पे भी चलता है। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, मैं आपको क्लियर बताता हूँ थोड़ा सा इलेबोरेट करके। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया है कि आप जैसे डाइनिंग पे जा रहे हैं सपोज कीजिए, तो वहाँ पे आपके पास एक मेन्यू आता है, आप मेन्यू पढ़ते हैं, मगर आपको ये नहीं पता कि वो मेन्यू कितने लोगों के पास पहले भी जा चुका है। तो उन्होंने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेबल पे QR कोड डाल दिया, आप फ़ोन पे स्कैन करो, पूरा मेन्यू आपके सामने खुल गया। कल को आप अपने घर पे बैठे हो, घर पे आपने उसी रेस्टोरेंट से ही खाना मंगाना है, तो आप व्हाट्सएप पे गए, आपने मेन्यू देखा, वहाँ पे ऑर्डर किया, आपके घर पे होम डिलीवरी होगी उसी रेस्टोरेंट की तरफ से। उसमें ना बीच में स्विगी आया, ना जोमेटो आया, ना कमीशन आए। तो उसमें क्या, आपका भी बेनिफिट है कि आप लोगों को खाना सस्ता मिलता है, और सेकंड बेनिफिट रेस्टोरेंट के ऊपर है कि रेस्टोरेंट को उसका प्रॉफिट मार्जिन मिल पाता है जो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड न्यूज़ के बारे में। तो सेकंड न्यूज़ है हमारी जोमेटो की तरफ से। जोमेटो भी इसी टाइप का थोड़ा मिलता जुलता प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा है। उन्होंने क्या किया है, उन लोगों ने भी यही टाइप का थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज करके, वो लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि जो फाइन डाइनिंग है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए, उसको कॉन्टैक्ट लेस करा जाए, तो वो लोग भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन बोला भी, आके अपने वेब पे भी बोला, उनकी साइट पे भी बोला, तो वो लोग भी इस टाइप का प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, मगर डॉट पे ऑलरेडी रेडी कर चुका है इसके बारे में। और थर्ड न्यूज़ की बात करें तो थर्ड न्यूज़ है NRAI की तरफ से। NRAI ने कोलेबरेट किया है स्विगी जोमेटो के साथ भी कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो इनके साथ NRAI के साथ 5 लाख+ रेस्टोरेंट जुड़े हैं उनको वो बेनिफिट पहुंचा पाए जो फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, कि उनके पास इतने ऑर्डर्स हों कि वो लोग इस टाइम पे सर्वाइव कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने साथ उनको जोड़ा स्विगी जोमेटो को, और उनके साथ उनका जो रेस्टोरेंट वगैरह ऑनर्स हैं उनको भी साथ में जोड़ के उनको प्लेटफॉर्म रेडी करके दे दिया कि अब आपने अपना वहाँ पे मेन्यू डालो और ऑर्डर लीजिए। तो ये चीज़ काफ़ी, मतलब NRAI काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहा है रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के रिलेटेड। और अब बात करते हैं फोर्थ न्यूज़ के बारे में। तो फोर्थ न्यूज़ है, क्राइसिल रिसर्च ने एक सर्वे किया था जिसमें उनको पता चला है कि इस टाइम पे जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के पास ऑर्डर है वो लगभग 10% के करीब जो रिवेन्यू है वो जनरेट कर पा रही है। और आने वाले टाइम पे उन्होंने, मतलब एक सर्वे की तरीके से उन्होंने देखा कि क्या चल रहा है, उन्होंने बताया कि जो आने वाला टाइम है मई से जून, अभी मई तो ख़त्म होने ही वाला लगभग, उन्होंने बोला कि जून के आसपास जो है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा सुधरने के हाथ, मतलब उनको लग रहा है कि 30 से 40% और रिवेन्यू जनरेट कर पाएगी रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। तो ये काफ़ी बुरी बात भी नहीं है और काफ़ी अच्छी बात भी नहीं है, मगर मेरा बताना फर्ज बनता है कि क्या सर्वे आ रहे हैं, क्या रिसर्च हो रही है रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म के बारे में। और अब बात करते हैं फिफ्थ न्यूज़ के बारे में। तो फिफ्थ न्यूज़, ये मेरी खुद की न्यूज़ है, मैंने एक खुद पर्सनल सर्वे किया था, लोगों से पूछा था कि क्या चीज़ें हमें चेंजेस करने चाहिए रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर कि जो रेस्टोरेंट है वो सही ढंग से वापस हो पाए, जैसे डाइनिंग एक्सपीरियंस उनको मिल पाए। तो न्यूज़ में क्या आया कि मेरे को जो लोगों से एक कोलैबोरेट पता चला कि उन लोगों ने कहा कि जो अभी हम लोग कटलरी यूज़ करते हैं वो कटलरी को हम छोड़ के डिस्पोजल में आ जाए, जो मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा कि हाँ ये चीज़ हो सकती है यार। तो मेरे को ये अच्छा लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ये कोशिश करें जो कटलरी आप इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं उसको छोड़ के आप लोग डिस्पोजल की तरफ जाएं, कि यूज़ एंड थ्रो सिस्टम हो जिसमें आपका जो कोरोना फैलने का थोड़ा सा है वो कम हो पाएगा। तो ये यहाँ पे हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ज़रूर करना, और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी करके जाना। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है। तो ओके, गुड बाय।